आज क्या खिला रहे हो आप हमें? एक कीमा। एक कीमा? कानपुर के लोगों को पसंद है? क्या बात है। और इसमें तेल डाल रहे, कौन सा तेल है ये? रिफाइंड है। रिफाइंड ऑयल है, ओके। कितने टाइम लगेगा इसको बनने में? 5 मिनट लगेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो भाई देखो, अपना कानपुर के अंदर अंडे का कीमा हम देखने जा रहे हैं, जो यहाँ कानपुर लोग को बहुत पसंद है। और रिफाइंड ऑयल डाला, उसके बाद जीरा डाल दिया, फिर थोड़े से प्याज डाल दिए, और फिर प्याज के बाद ही हरी मिर्ची डाल दी, और क्या डाला? अदरक डाला है जी, अदरक डाला है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और इनका पैन भी बहुत देसी है, एकदम देसी है, देख के लग रहा है, क्योंकि अंडे का जो पैन होता है ना, ऑमलेट का जो पैन होता है, वो ऐसे देसी होता है। ये कौन सा मसाला डाल रहे हैं आप? सब घर का ही है भैया। सब घर का मसाला, कुछ नाम होगा मसाले का? किचन किंग मसाला। ओके, तो किचन किंग मसाला डाल दिया है। गरम मसाले का यूज नहीं करते? गरम मसाला लास्ट में पड़ता है, ठीक है। और ये देखो, थोड़े छोटे 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 टमाटर आ गए अपने, क्या बात है। तो भाई आपको फिर से बता दे, पहले इन्होंने पैन चढ़ाया, उसके बाद फिर ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद फिर इन्होंने जीरा डाला, उसके बाद फिर थोड़े से प्याज डाले कटे हुए, थोड़ी मिर्ची डाली, थोड़े अदरक डाले कटे हुए, उसके बाद फिर इन्होंने मसाले डाले, किचन किंग मसाला डाला, गरम मसाला डाला, और उसके बाद फिर इन्होंने टमाटर डाला, उसको फिर चला रहे बढ़िया से तरीके से। अब ये गार्लिक डाल दिया। तो भाई आपको फिर से बता दूं, हम देख रहे हैं अंडे का कीमा कानपुर के अंदर, लेकिन कानपुर के अंदर आपको अगर ये वाला अंडे का कीमा खाना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा, ये आपको लास्ट से बताएंगे वीडियो में, बने रहना हमारे साथ। और भाई अंडे का कीमा बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है, ऑब्वियसली यूनिक है, क्योंकि अंडे का कीमा ज़्यादा मैंने कहीं सुना नहीं, बहुत कम ही लोग देते हैं, लेकिन भाई मुझे लगा कुछ यूनिक है ये, मुझे अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग, ओके। तो भाई ये देखो अपना बॉइल्ड एग जा रहा है अब। दो बॉइल अंडे का कीमा देख रहे हैं हम, और ये देखो ये सारे बॉइल अंडे जा रहे हैं अपने। पनीर मत समझ लेना गलती से भाई, मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ कि अंडे हैं ये, अंडे को ग्रेट किया गया है। ये क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, काला नमक था क्या? थोड़ा काला नमक, फिर थोड़ा सफेद नमक। और ये क्या है? ये गर्म मसाला। ओके, जैसा कि उन्होंने कहा था कि गर्म मसाला लास्ट में डालेंगे, तो उन्होंने गर्म मसाला लास्ट में डाला है टेस्ट बनाने के लिए। और देखो हमारा अंडे का कीमा, भाई क्या बेहतरीन चीज़ है, अंडे का कीमा। अभी तक चिकन मटन खाते थे, लेकिन लोग अब अंडे का कीमा भी खाते हैं, और सच में बहुत मन से खाते हैं। और ये देखो, ये तो आप जानते हो अमूल की क्रीम है भाई, एज यूजुअल, क्या बात है। ओ हो वाह, ये हरी चटनी आ गई भाई, बहुत ही स्वादिष्ट, महक तो एक नंबर आ रही है भाई, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्या बात है। अंडे का कीमा कानपुर के अंदर, बने रहो हमारे साथ, लास्ट बताएंगे किस लोकेशन पर आके खाना पड़ेगा आपको। वाओ भाई देखो क्या बेहतरीन लग रहा है यार, टेक्सचर बेहतरीन। तो भैया कितने साल हो गए आपको इस बिजनेस में? 15 साल। क्या बात है भाई, तो ये जो अंडे कीमा हम देख रहे हैं वो एक एक्सपर्ट शेफ के हाथ से देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, क्योंकि उनको 15 साल हो गए इस लाइन में। बहुत वैरायटी हो गई है। हाँ आपको बहुत वैरायटी हो गई है। आप कुछ डालेंगे इसमें? अभी ये बहुत पकाया जाएगा। भाई पकाया जाएगा, तो भाई इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको पकाने में, तो मेन इसको तरीके से अगर ना पकाया जाए तो वो स्वाद नहीं आता उस तरह से। और मैं आपको बोलूँगा घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि आपको ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा, बाकी आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो। तो भाई हमारा अंडा कीमा तैयार हो गया है, दो अंडे का कीमा था, ठीक है, सारा प्रोसेस बताया आपको, क्या बात है भाई। ये देखो अंडे का कीमा, क्या बात है, बेहतरीन यार, बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है इसमें,
थोड़ा सा प्याज डाल दिया गया हल्का सा। और क्या देंगे ये प्याज के साथ? क्या बात है, ये देखो लवली है। और कुछ डालना है इसमें? थोड़ी सॉस। भाई ये देखो हमारा अंडे का कीमा तैयार हो गया है। कुछ अलग ही लग रहा है यार, इसका टेक्सचर देख लो, अलग तो है यार अंडे का कीमा। आपने ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चिकन का खाया होगा, मटन खाया होगा, अंडे का भी खाया होगा, बट ज़्यादातर लोगों ने नहीं खाया होगा। लेकिन कानपुर के अंदर आपको मिलेगा अंडे का कीमा। और इसका क्या रेट है, कैसे क्या सीन है, सब आपको बताते हैं वीडियो में। तो भाई ये देखो अंडा कीमा हमारा तैयार हो गया, उसके साथ देते हैं ये चार ब्रेड की स्लाइस। और अब हम देखेंगे रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू। अगर अच्छा है तो भाई साहब अच्छा ही बताएंगे, और ख़राब है तो भाई साहब ख़राब ही बताएंगे, मतलब जेन्युइन रिव्यू देंगे। और ये थोड़ी चटनी में डुबो लिया इसे। कैसा है? बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट है। आपको बेस्ट आइटम मिलेगा। अच्छा आप नाम भी जानते हैं, मतलब आते रहते हैं 10 साल से हम लोग यहीं खा रहे हैं। 10 साल से जी। भाई अगर इस कस्टमर की लॉयल्टी है ना तो सिर्फ इनके टेस्ट की वजह से, इनके हाथों में टेस्ट है इसलिए 10 साल से भाई साहब यहाँ पे खा रहे हैं। नहीं तो पैसा ये यहाँ भी दे रहे हैं, कहीं और भी दे सकते हैं, टेस्ट नहीं मिलेगा तो, लेकिन टेस्ट है इसलिए खा रहे हैं। तो ये जो अंडा कीमा बनाया भाई साहब, इसका रेट क्या है? 65 रुपीज़। और आपके शॉप की टाइमिंग क्या है? 5 से 12 बजे शाम को। 5 से 12 जी। अच्छा, और अगर किसी को आना है यहाँ पे तो लोकेशन क्या है आपका? ये तिलियाना मोड़ है, गणेश मंदिर के आगे आ जाइए। तिलियाना मोड़ गणेश मंदिर के आगे, ओके। तो भाई ये देखो, ये अंशु भाई है हमारे, और ये इनका कार्ट है अंशु भाई का, ठीक है। इसका नाम है अंशु एग कॉर्नर, और इनके पास बहुत सारे आइटम है, ठीक है, आइटम भी बहुत सारे हैं और रेट भी सारे रीजनेबल आप देख सकते हो। अब इनका जो लोकेशन है वो मैं बता देता हूँ, ये है तिलिया मोड़, घंटाघर नियर गणेश मंदिर, तिलियाना मोड़, ओके। तो भाई घंटाघर है सामने, आपको उधर घंटाघर मिलेगा चौराहे पे, ठीक है। कानपुर में अगर आप आते हो तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर आपको घंटाघर मिलेगा, घंटाघर के पास में गणेश मंदिर के बगल में तिलियाना मोड़ है, तिलियाना मोड़ के पास में अंशु एग कॉर्नर करके, मतलब यहाँ पे इनका शॉप है, तो आप आके ट्राई कर सकते हो। इनका बहुत सारा आइटम है, जो आपको ट्राई करना है वो ट्राई करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग इस ब्लॉग, और अगर आप यहाँ पे आते हो और ट्राई करते हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना।